अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम इस सलमान उमर है और हम मरहम के प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके पास एक दोबारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर लाइव सेशन लेकर मौजूद हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मरहम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप किसी भी परेशानी या बीमारी की सूरत हाल में डॉक्टर की तलाश, उससे मशवरा करना, उससे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना या किसी भी किस्म की बीमारी से रिलेटेड अगर आपको मालूमात या अवेयरनेस चाहिए तो आप मरहम से रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ जो है वो आज इस लाइव सेशन को करने के लिए डॉक्टर फर्रुख अली चौधरी जो है वो दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फर्रुख अली चौधरी जो है वो अमेरिकन डिप्लोमेट कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स में हेड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी के डायरेक्टर रह चुके हैं उस डिपार्टमेंट के, और इनके साथ हमारा जो लास्ट लाइव सेशन था वो था टेक्निक ट्रॉमा के ऊपर, और वो उसके ऊपर आप सब लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ओवरवेलमिंग था। और उस बेहतरीन रिस्पांस को देखने के बाद हमने सोचा कि डॉक्टर साहब के इल्म से मज़ीद फ़ायदा उठाया जाए और एक और बहुत सीरियस इशू के बारे में आप सब से बात की जाए। तो हेयर आर डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब अब आप खुद बताएं कि आज हम किस किस्म के सीरियस मसले के साथ मौजूद हैं यहाँ पे। थैंक यू अस्मा। लास्ट सेशन हमने टेक्निक ट्रॉमा के बारे में किया था, माशाल्लाह इट वॉज अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल। बहुत से पेशेंट्स ने मेरे पास आके इंडिविजुअली मुझे कहा कि इसकी वजह से हमें अंदाजा हुआ है कि हमारे बच्चों में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी और हमें खुद कितना सफरिंग हो रही थी। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक शायद हम सब के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और बदकिस्मती की बात है कि आज तक वो कि हम रोजाना देख रहे हैं कि हमारी फैमिली में बच्चे उससे सफर कर रहे हैं, लेकिन किसी लेवल पर भी, टीचर्स के लेवल पर, पेरेंट्स के लेवल के ऊपर, स्कूल के लेवल के ऊपर, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर, कभी भी इसने किसी ने भी इसको सीरियस तौर के ऊपर नहीं लिया। और ये हमारे बच्चों की लाइफ पे एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, और वो है स्कूल बैग सिंड्रोम। स्कूल बैग सिंड्रोम सिंपल सी चीज़ है कि फिजिकल वेट जो बैग का है वो बच्चे की लाइफ के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और इसकी जब मैं सिम्टम्स आपको वन बाय वन बताऊँगा तो आप रियलाइज करेंगे कि ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है, हमारे बच्चे रोजाना किस टॉर्चर में से गुजर रहे हैं। और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त डॉक्टर साहब। तो जो टेक्निक ट्रॉमा, जैसे अभी हमने इस लाइव सेशन का एक जो कैप्शन दिया है वो ये है कि जो स्कूल बैग सिंड्रोम है, इसका हमने जो कैप्शन दिया वो ये है कि हाउ हमारी जो आजकल की तालीम है वो कैसे बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर की तरह बनती जा रही है। तो क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से आपने ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई है? देखें, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप समझते हैं कि बच्चे आपके एसेट्स हैं, और हम सब ये समझते हैं, क्या हम उनसे प्यार करते हैं, क्या हम उनकी केयर करते हैं, क्या हम उनके लिए बेस्ट चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि वो हेल्दी हों, क्या हम चाहते हैं कि वो कंफर्टेबल हो। घर में तो हम बच्चे पानी का गिलास भी पीने नहीं देते, हम नौकर से कहते हैं जाके बच्चे के लिए पानी का गिलास लेके आओ। इन तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए हम अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम काम करते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, हम अपनी लाइफ के अपनी कम्फर्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि बच्चे को कम्फर्ट मिल जाए। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ये कंडीशन है हमारे बच्चे की। बच्चा जो है वो आपसे मदद मांग रहा है, किस लिए मदद मांग रहा है? क्या आपका बच्चा इस कंडीशन में है? दिस इज अ सिंपल पिक्चर ऑफ चाइल्ड लेबर। मेरा कहना कि हमारा बच्चा इससे भी वर्स है। क्यों? ये बच्चा फिजिकल ट्रॉमा में से गुजरता है ज्यादा, लेकिन हंसरा होता है। हमारा बच्चा जो है पढ़ाई के अंदर इमोशनल ट्रॉमा में से भी गुजरता है, स्ट्रेस में से भी गुजरता है, और स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर फिजिकल ट्रॉमा इज इवन गेट वर्स। तो मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली ये आप हमारे स्कूल बैग और उसके वेट की वजह से हमारा बच्चा जो है वो इस एक किस्म के चाइल्ड लेबर की सिचुएशन में से गुजर रहा है, और हम इसको डिस्कस करेंगे, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब एक मुझे आप एक बात बताएं कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो स्कूल बैग सिंड्रोम का शिकार हो रहा है? देखिए, हमने एक सिंपल सा ये अपलोड करेंगे हम इसको, क्वेश्चनियर्स है। इस क्वेश्चनियर्स में दो चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट है, ये भी बल्कि मैं आप लोगों के साथ अभी साथ साथ शेयर भी कर रही हूँ। अभी ये अभी आपको इसी लाइव सेशन के कमेंट्स में ये क्वेश्चनियर अवेलेबल होगा, आप इसको जो है वो अपने बच्चे से फिल कराएं और डॉक्टर साहब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप अपने रिजल्ट जो है वो हमारे साथ 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 शेयर करें,
so that we can talk about it. इसमें एक तो आपके बच्चे का वेट पता होना चाहिए, उसकी हाइट पता होनी चाहिए, और आप उसके किसी भी एक एवरी डे के अंदर उसके स्कूल बैग का वेट कर लें, और उस वेट को जो स्कूल बैग का वेट, सपोज अगर स्कूल बैग का वेट 10 केजी है और बच्चे का वेट 60 केजी है, 50 केजी है, तो आप उसकी परसेंटेज निकाल लें. 50 केजी वाले बच्चे के लिए 10 केजी वेट का मतलब है 20% ऑफ इट्स बॉडी वेट. सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. एक सिंपल सी आपने कैलकुलेशन करनी है जो आपको बताएगी कि आपका बच्चा किधर स्टैंड कर रहा है, उसका बैग ओवर वेट है, नॉर्मल वेट है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है. और उसके बाद इसकी सिम्टम्स, बच्चे के वेट और स्कूल के बैग के वेट से परसेंटेज निकालनी है. बिल्कुल बिल्कुल. और नीचे इसकी ये सारी सिम्टम्स लिखी हुई है. इस सिम्टम्स में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो बच्चा को कोई सिम्टम नहीं हो रही तो सिंपल आप नन को एनसर्कल कर सकते हैं, ठीक है. और अगर बच्चे को सिम्टम्स हो रही है तो अगर माइल्ड है तो 1 है, और अगर बहुत सवियर है तो 10 है, ठीक है. ठीक है, उसमें आप आराम से जज कर सकते हैं. बच्चे से पूछे, बेटा आप अपने आप को 1 to 10 में कहाँ कर देखते हैं. बच्चा कहेगा मैं 5 है, 4 है, और बच्चे बिलीव मी आई हैव डन इन डिफरेंट स्कूल्स, एंड मैं खुद सरप्राइज हो गया हूँ कि वो बच्चों ने इतना अच्छा अपने आप को एवेलुएट करके बताया कि आई वाज शॉक्ड. सच्चा एवेलुएशन. और इसके एंड में बच्चा अपने आप को खुद या आप एवेलुएट कर सकते हैं कि आपका बच्चा किधर स्टैंड करता है, कंफर्टेबल टू मिजरेबल. बिल्कुल सही. और अब हम वन बाय वन उस तमाम सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है. सबसे पहले सबसे कॉमन सिम्टम जो आपके बच्चों के अंदर होगी इस तमाम वजह वो है हेडेक. बहुत से बच्चे जो हैं वो स्कूल से ऑफ करते हैं हेडेक की वजह से, कि मामा मेरे सर में दर्द हो रही है. कुछ बच्चे होते हैं जो ट्रू माइग्रेन के होते हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि 40% ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन नाउ. सो दैट मींस दे आर नॉट माइग्रेन, दे आर सफरिंग फ्रॉम अदर मस्कुलर टाइप ऑफ हेडेक्स, सर्विकोजेनिक, नेक की वजह से, मसल टेंशन की वजह से, और दूसरी वजह से. ये हेडेक फ्रंटल एरिया में भी हो सकती है, साइडों पे भी हो सकती है, ये बैक में भी हो सकती है, ओवर द हेड भी हो सकती है, पूरे हेड में भी हो सकती है. व्हाट वी वांट यू टू मार्क इज द सेवेरिटी ऑफ द हेडेक. या आप बच्चा कह सकता है कि मामा 4-5 दिन मुझे हेडेक रहती है, एक दिन हेडेक रहती है, और कितनी सवियर होती है, तो ये उसने मार्क करना है, ठीक है. मोस्ट कॉमन सिम्टम्स व्हाट वी वन ऑफ द सिम्टम्स वी सी इज हेडेक. कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमें हेडेक फील नहीं होता, हमें प्रेशर फील होता है, ठीक है. तो प्रेशर कभी आप बच्चे, बहुत से बच्चे कॉमनली कहते हैं कि जी हमें प्रेशर अराउंड द आईज और या इस साइड पे या आंखों के पीछे हमें बहुत सा डेंस सा प्रेशर फील होता है. तो ये भी एक बड़ी कॉमन सिम्टम है जो बच्चे सफर करते हैं. यहां, इस आंखों के गिर्द या आंखों के बिल्कुल पीछे, बिल्कुल जैसे आंख आई बॉल के पीछे फील होता है, ठीक है. फिर एक होता है प्रेशर ओवर द हेड. बच्चा कहता है कि मामा मुझे सर में दर्द तो नहीं होती, लेकिन मुझे दबाव या खिंचाव का एहसास रहता है. वो सर के ऊपर भी हो सकता है, सर की साइडों पर भी हो सकता है, सर के पिछले वाले हिस्से में भी हो सकता है, ठीक है. उसके बाद एक कॉमन सिम्टम है जो है पुअर कंसेंट्रेशन. और मजे की बात है कि आप ये देखेंगे कि आपके बच्चों में ये विद द टाइम इट विल गेट वर्स. आप कहेंगे बेटा आप पिछले साल तो आप बड़े कंसंट्रेट थे अपनी एजुकेशन में, इस साल आप वर्स होते चले जा रहे हो. इसकी वजह स्मार्टफोन भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हो. इसकी वजह ये भी हो सकता है कि बच्चा फिजिकली एग्जॉस्ट होता जा रहा है, वो बहुत सी पेन और उसके सिम्टम्स जो है उसकी कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. और जब इन बच्चों को हम ट्रीट करते हैं तो मजे की बात है कि वो बच्चे हमें बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरी कंसंट्रेशन बहुत बेहतर हो रही है. मैंने पिछले दिनों एक बच्चे को ट्रीट किया, वो जो कॉलेज स्टूडेंट था, और जब मैंने उसको ट्रीट किया तो ही वॉज एबल टू राइट हिज थीसिस, ही कुडंट एबल टू राइट मोर देन अ पेज इन 3 months. इन अबाउट अ वीक ही वॉज डन एबल टू डन इट मोस्ट ऑफ हिज थीसिस. तो इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन बच्चों की इंप्रूव हो जाती है जब उनकी सिम्टम्स बेहतर हो जाती है, बिल्कुल ठीक है. फिर आ जाता है मेमोरी प्रॉब्लम. अब आप कहेंगे कंसंट्रेशन और मेमोरी में क्या है. कंसंट्रेशन ये है कि बच्चा स्कूल में बैठा है, टीचर सामने है, और बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा. जो टीचर उसे बता रहा है वो बच्चा समझ नहीं पा रहा कि टीचर क्या बोल रहा है. उसकी तरफ देख जरूर रहा है, वो अपनी तरफ से पूरा कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं जा रहा. यह है कंसंट्रेशन. लेकिन मेमोरी ये है कि उसके बाद उसको याद ही नहीं है. क्लास में तो बाहर निकला होता है, बेटा क्या क्लास हुई, कहता पता नहीं. टीचर ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, पता नहीं. बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल. अब देखिए 40 मिनट की क्लास में बच्चा बाहर निकले और उसको टॉपिक भी ना पता हो, देन वी आर डीलिंग विद अ सीरियस प्रॉब्लम. कि एक बच्चा बैठा हुआ है, और ये नहीं है कि ये सारे बच्चे ADHD के हैं, कि हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बच्चे हैं, हम उन बच्चों को लेबल कर रहे हैं. वो बच्चे, ये
बहुत अनकॉमन प्रॉब्लम है, वो बहुत छोटी सी परसेंटेज है जिसमें बच्चे बाकी एडीडी या एडीएचडी के होते हैं। ज्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो मैकेनिकल वजह से हो रही है, ये तो नहीं है ना 30% ऑफ द पॉपुलेशन एडीएचडी में चली गई है। बहुत अच्छी बहुत, लेकिन वो जब क्लास से बाहर निकलने कहते हैं जो हमें टॉपिक भी नहीं पता, आप अपने बच्चों से पूछे कि बेटा आज क्लास में टीचर ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर एक बड़ी मजेदार बात है, बच्चा कहेगा मामा मुझे बोर्ड सही नजर नहीं आता। आप आई डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा कि जी मैंने ग्लासेस लगा दी है 6x6 है। बच्चा अगले दिन कहेगा मामा ग्लासेस ठीक नहीं है, क्यों? मुझे चीजें क्लियर नजर नहीं आ रही। आप टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे, टीचर बच्चे को अगली वाली सीट पे बिठा देगा, प्रॉब्लम वहीं के वहीं है। मजे की बात है कि ये प्रॉब्लम फोकसिंग की है, ये प्रॉब्लम कन्वर्जेंस की है। जब आई डॉक्टर चेक करता तो एक आंख को चेक करता है, जब आप दोनों आंखों को यूज करते हैं तो आपने कन्वर्ज करना है या डाइवर्ज करना है। अब ये एरर ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की प्रॉब्लम है और इसका ताल्लुक मस्कुलर स्पैज्म के साथ है। जब ये प्रॉब्लम होती है तो बच्चा जब फोकस करने की कोशिश करता है, या बच्चा पहले 2-3 मिनट तो फोकस कर पाता है, पहले 2-3 मिनट बिल्कुल ठीक है, उसके बाद चीजें ब्लर होनी शुरू हो जाती है, मूव करनी शुरू हो जाती है। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम चिल्ड्रन हैव इज अ फोकसिंग इशू। उसके बाद आपने ये देखा है कि बहुत से बच्चे इरिटेबल हैं, स्पेशली व्हेन दे कम बैक फ्रॉम स्कूल, दे विल से मामा आई एम एग्जॉस्टेड, और वो बच्चे बड़े इरिटेबल कहते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने कुछ नहीं करना, डोंट डिस्टर्ब मी, आई वांट टू स्लीप, आई एम एग्जॉस्टेड। क्योंकि आप खुद भी देखेंगे जब आप फिजिकली अपने शोल्डर और नेक और हेडेक हो रही हो आपको, हाउ डू यू फील विद योरसेल्फ? आप कंफर्टेबल हैं? आप प्यार से बात करना चाहते हैं? आपका दिल करता है कि आप बंदे हर बंदे से लड़े? तो सेम सिचुएशन दिस पुअर किड इज गोइंग थ्रू, ही इज बिकमिंग इरिटेबल, और उसको एक अपनी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, दूसरे को किसी को समझा भी नहीं सकता, समझा भी नहीं, मुझे प्रॉब्लम पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। पेरेंट्स भी वही कहते हैं कि शायद स्कूल में टीचर ने अच्छा रवैया नहीं है, बच्चे बदतमीज हो गए हैं, वो एक हम उसको और साइड पर ले जाते हैं ये जाने बगैर कि उसकी कुछ फिटनेस में, उसकी फिजिकल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल, जबकि ये मोस्ट लाइकली बच्चे की उस मस्कुलर स्पैज की वजह से हो रहा है जो कि उसको स्कूल बैग की वजह से हो रहा है। फिर नेक पेन, नेक पेन एक साइड पे भी हो सकती है, नेक पेन दोनों साइडों पे भी हो सकती है, वो हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों बच्चों को नेक पेन एक साइड पे होती है दो साइड पे होती है। उसका ताल्लुक है कि वो बच्चा किस किस्म का बैग यूज कर रहा है और बैग को अप्रोप्रिएटली यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी वजह से आमतौर पर हमें एक्सप्लेन हो जाती है सिम्टम्स के बच्चे को क्यों नेक प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपने देखा होगा आजकल के बच्चे कहते हैं मामा मैं बड़ा डिजी फील कर रहा हूं। कई बच्चे इवन स्कूल में फेंट हो जाते हैं, कई दफा वो गर्मी की वजह से हबस की वजह से होता है, लेकिन कई बच्चे जो होते हैं वो नेक पेन की वजह से, हेडेक की वजह से, प्रेशर की फीलिंग की वजह से, शोल्डर पेन की वजह से, और वो आपको बताएंगे कि मामा आज मेरी नेक पेन बहुत ज्यादा हो रही थी, उसकी वजह से उसके बाद मैं बहुत डिजी फील कर रहा था, और मैं इतना डिजी फील कर रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं फेंट हो जाऊंगा, और कई बच्चे अनफॉर्चुनेटली फेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस डिजीनेस के लिए दो रखी है कि यू गोना बी ब्लैक आउट। सो देयर आर सम टाइम्स द किड गोस टू द लेवल कि जिसमें उनकी डिजीनेस कंप्लीट ब्लैक आउट कर देती है उन बच्चों को। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है कि बच्चे कहते हैं कि जी मेरे शोल्डर में पेन हो रही है, और मजे की बात है कि ये शोल्डर ट्रॉमा से पेन नहीं हो रही, ये शोल्डर ज्वाइंट से पेन नहीं हो रही, इसका जॉइंट के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक उन मसल्स के साथ है जो इस शोल्डर के रोटेटर कफ जो कि सारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, उन लिगामेंट्स के साथ, उन बर्सास के साथ, उन टेंडन्स के साथ, ये उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्योंकि बच्चे ने बैग कहां रखना है अपने शोल्डर पे, तो शोल्डर पे हैवी बैग ने ट्रॉमा करना है मसल को भी, नर्व को भी, लिगामेंट को भी, बर्सा को भी, और ये उन सब के ट्रॉमा की वजह से और उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से अनफॉर्चुनेटली उसके शोल्डर में पेन। और ये अगर वो वन साइड पे बैग हो या टू साइड पे बैग हो, ये इसका भी अपना इफेक्ट होता है, इसका अपना इफेक्ट है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों इफेक्ट है इस आगे जाके। और डेफिनेटली इसमें ने बिल्कुल सही कहा है कि एक शोल्डर बैग, वन स्ट्रैप बैग एक्चुअली इज वर्स, एंड वी विल एक्सप्लेन इट व्हाई। अब जब शोल्डर के अंदर ये जब सारे आपके मसल्स और आपके लिगामेंट्स ओवरवेट की वजह से ट्रॉमाटाइज हो जाएंगे, तो उसके नीचे जो नर्व्स हैं वो भी ट्रॉमाटाइज होंगी, वो भी कंप्रेस होंगी, जब वो ट्रॉमाटाइज होंगी, वो कंप्रेस होंगी, तो उसका क्या होगा, जो जो नर्व कंप्रेस होती चली जाएगी उस तरह आर्म के अंदर
प्रॉब्लम होती चली जाएगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो अनफॉर्चुनेट चीज है जो मैं देख रहा हूँ, और एक बच्ची को मैंने आज मंडे को ट्रीट भी करना है जिसके पेरेंट्स आज आए थे मेरे पास, उस बच्ची को क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से इस लेवल पे प्रॉब्लम चली गई है कि नाउ शी इज लूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हर हैंड। और एक बड़ी मजेदार चीज है, आप देखेंगे, आप बच्चे के नोट करें, आप कहेंगे बेटा जब तुम लास्ट ईयर तुम्हारी राइटिंग बड़ी अच्छी थी, तुम्हारी ड्रॉइंग बड़ी खूबसूरत थी, और इस साल तुम्हारी ड्रॉइंग और राइटिंग इफेक्ट हो गई है, वो डेक्सटेरिटी इफेक्ट हो रही है। डेक्सटेरिटी है कि आप चीज को कितनी खूबसूरती से ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। अब वो जो डेक्सटेरिटी इफेक्ट हो रही है वो इस कंप्रेशन ऑफ द नर्व्स की वजह से हो रही है, जो शोल्डर में कंप्रेस हो रहे हैं और बाजू उस पर इफेक्ट हो रहा है। और एक और बड़ी मजेदार चीज है, आपका बच्चा कहेगा जी मेरा हाथ फटीक हो जाता है, मामा मैं आधा पेज लिखता हूँ बस मैं थक जाता हूँ, मेरे से नहीं लिखा जा रहा, मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरे से होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा। हमारे जमाने में बच्चा 30 सफे लिखता था तो थकता नहीं था, तख्ती लिखता था तो थकता नहीं था, लेकिन अब बच्चा आधा सफा लिख के थक जाता है। क्यों होता यह है कि जब ये नर्व्स कंप्रेस हुई होती है ना, तो ये फटीकेबिलिटी में जाना शुरू होती है। आप छोटी सी बात है, आपने टांग पे टांग रखी, आपकी टांग सो जाती है, हाउ डू यू फील इन योर लेग, यू कैन नॉट स्टैंड ऑन दैट लेग, आप उसमें खड़े नहीं हो सकते, आप खड़े होते आप गिर जाते हो, वो आपको ऐसे लगता है जैसे मेरी टांग में से जान निकल गई है, उसको 5-10 मिनट लगते हैं। आप सोचो कि जब आप इतना सफर करें और आपका बच्चा रोजाना सफर करेगा तो उसकी क्या हालत है। वो बच्चा गलत नहीं कह रहा, वो बच्चा कह रहा है मामा मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मामा मेरे से पेन नहीं पकड़ा जाता, मामा मेरी ड्रॉइंग खराब हो रही है, मेरी राइटिंग खराब हो रही है, उसके बहाने नहीं है, उसकी मैकेनिकल वजह है, वो बच्चा सफर कर रहा है। और हमें हमारे डॉक्टर्स को अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं आ रही, क्योंकि आज तक अभी ने किसी प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं किया, मेडिकल कॉलेज में इसको पढ़ाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। तो बात यह है कि हमारे बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं और कोई बंदा इस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, देयर इज अ मैकेनिकल रीजन बिहाइंड इट। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, प्रॉब्लम तो यहां है, बच्चा आपके पास आता है कहता है मामा पता क्या है मेरी टांगों में बड़ा खिंचाव है, मैं चलता हूं ना मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई पीछे से खींच रहा है, लेग की स्टिफनेस। अब ये लेग स्टिफनेस कहां से आ गई, प्रॉब्लम तो शोल्डर में है, प्रॉब्लम तो ऊपर है, ये लेग स्टिफनेस कहां से आ गई। मजे की बात है कि जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान के जो मसल्स हैं ना, जिन्हें हम रोम्बॉइड्स मसल कहते हैं, कभी आप अपने बच्चों से पूछें कि बेटा जो आपके शोल्डर ब्लेड के मसल्स के दरमियान के मसल्स हैं उसमें आपको टाइटनेस या खिंचाव फील होता है, अगर आपका बच्चा कहता है कि खिंचाव फील है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करें बेटा आपको टांगों में खिंचाव फील होता है कि नहीं होता, आपको बच्चा बताएगा कि मामा मेरी टांगे बड़ी भारी है, खास तौर पे नीज के नीचे जो पीछे वाला पोर्शन है ना वो बच्चों को बड़ा, और उसकी वजह से कई बच्चों को रात की क्रैम्पिंग भी होती है, बच्चे रात को उठ जाते हैं कहते हैं मामा मेरी टांगों में खिंचाव हो रहा है, मेरे मसल्स में खिंचाव हो रहा है, या मसल में क्रैम्प्स पड़े, मेरे से सोया नहीं जा रहा। जैसे अभी यहाँ पर किसी ने हमारे शेयर भी किया है, किसी ने हमसे यहाँ पर ये अस्मा ने हमसे शेयर किया है कि एंड इट लीड्स टू फूड, उन्होंने कहा कि वेरी गुड टॉपिक, और फिर आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि एंड इट लीड्स टू फूड, वही ये मैंने भी आपको लेग स्टिफनेस की बात की। अब इस पिक्चर को दोबारा देखें, मतलब वो भी पांव पे आपने आके वजन है, आपसे अपना बॉडी का वजन नहीं उठाया जा रहा, आप खींच के चल रहे हैं अपने आप को, ठीक है। अब एक बड़ी मजेदार बात है, ये तमाम चीजों के बाद आपका बच्चा क्या है, दोबारा से बता देते हैं कि हम एक्चुअली में अभी कर क्या रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जो है डॉक्टर फर्रुख अली चौधरी मौजूद है, ये कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है और ये लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, और ये आज ना एक बड़े यूनिक टॉपिक के बारे में हम सबको बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं, एंड दैट इज स्कूल बैग सिंड्रोम, कि जो हम इनके एक बच्चे के ऊपर स्कूल बैग की वजह से क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, और कैसे हमारी आजकल की एजुकेशन जो है वो चाइल्ड लेबर की तरह बनती जा रही है, और सिर्फ उन बच्चे हम बच्चे के बहाने समझते हैं, हालांकि उसकी फिजिकल जो है वो इम्प्लीकेशंस और उसकी फिजिकल एविडेंस और रिसर्च के साथ डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि वो यही बात है कि अगर हम लोगों को बताएंगे नहीं कि ये क्या प्रॉब्लम है, उसकी अवेयरनेस नहीं देंगे, और यही मरहम का मकसद है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें कि वो कैसे अपनी परेशानी को अपनी बीमारी को हल कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे डॉक्टर साहब के पास आते हैं जो इन सिम्टम्स से गुजर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप किसी एक बच्चे की थोड़ी सी स्टोरी हमसे शेयर कर दें ताकि लोगों को अंदाजा हो कि ये कितना स्वेयर केस चल रहा है। मेरे पास पिछले 6 वर्ष में मल्टीपल चाइल्ड ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल ऑफ कर लिया, उसकी वजह यह थी कि उन्होंने कहा कि जब हम स्कूल में जाते हैं हम काम करने की कोशिश करते हैं, हमारा हाथ जो है टीक में चला जाता है, हम मैं पन नहीं पकड़ सकती, और टीचर जो होती है गेट वेरी अपसेट
कि यू आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा तारे जमीन पर टाइप की सिचुएशन होती है। अब वो बच्चा कह रहा है कि जी मामा मैं कर ही नहीं सकता, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं। अल्टीमेटली व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू टेक द चाइल्ड ऑफ, दे टेक इट टू द डॉक्टर। पहले दो तीन डॉक्टर ने पेन किलर वगैरह देने की कोशिश की, दे डिडंट वर्क फॉर देम। देन दे एंड अप विद द साइकियाट्रिस्ट, दे पुट द चाइल्ड ऑन एंटीसाइकोटिक एंड एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, के जी बच्चा डिप्रेस हो गया। वो बच्चा कह रहा है कि मामा मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं फिजिकली नहीं जा सकता। और मैं आपके सामने, मैं 8th ग्रेड तक आया हूँ या 9th ग्रेड तक आया हूँ, मैं आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट बट आई कैन नॉट डू इट एनीमोर। नहीं जी, आपका ओ लेवल का स्ट्रेस है, आपको मैट्रिक का स्ट्रेस है, जिस वजह से आप जो है ना वो अपना, दीज आर नॉट, दे आर किड्स हु आर गो थ्रू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल द किड्स आर लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन आर साइकोलॉजिकली नॉर्मल एंड दे डोंट नीड एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। और एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन द लास्ट थिंग व्हाट यू वांट टू डू गिव टू दिस चिल्ड्रन। और अनफॉर्चुनेटली इन तमाम सिम्टम्स की वजह से एंड अप क्या होता है, लैक ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। वो बच्चे फटीग्ड, एग्जॉस्ट, टायर्ड हैं, वो ना अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, ना अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक दिस, समबॉडी पुल द प्लग ऑफ फ्रॉम देम। एंड और मैं कॉज बहुत से बच्चे आपको नजर आएंगे कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम बेड पे लेटे हैं और सिर्फ अपना फोन यूज कर रहे हैं। They don't want to get up. They don't want to move around. ना बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ना कोई और चीज, ना they are more into it कि बस अब हम लेट जाएं और फोन यूज कर लें और हर चीज। और डॉक्टर साहब ने अभी हमारे साथ इस सारे सिम्टम्स शेयर किए, हम अभी आप लोग लाइव सेशन के बाद इसको रिकॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक क्वेश्चनेयर भी शेयर किया है जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं, आप सेल्फ असेसमेंट करा सकते हैं अपने चाइल्ड से कि वो इस वक्त जो है वो स्कूल बैग सिंड्रोम के किन किन सिम्टम्स को अपनी जिंदगी में फील कर रहा है। एंड एज ए पेरेंट्स ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको देखें कि कहीं हमारा बच्चा इस तकलीफ से तो नहीं गुजरा। तो डॉक्टर साहब आप बताएं, आप मतलब आगे के क्या मतलब इसका सलूशन है, या कौन लोग हैं जो इसको फिक्स करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले हमने एक सिंपल पिक्चर देखनी है, ये स्कूल बैग है, ठीक है। अब ये स्कूल बैग की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, नेक में, शोल्डर्स में, बैक में, हिप एरिया के अंदर, नीज एरिया के अंदर, बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई हिस्सा मैकेनिकल ऐसा नहीं रह गया जो कि इस पर इफेक्ट नहीं कर रहा। एंड लुक एट द पॉस्चर ऑफ दिस चाइल्ड इन ऑर्डर टू कैरी दिस वेट। अब अपने बच्चे को देखें, जब उसने बैग उठाया होता है, ही हैज टू लीन फॉरवर्ड, और वो फर्दर प्रॉब्लम को वर्स कर रहा है, ठीक है। यही सिचुएशन इस छोटे से बच्चे की है, कोई फर्क नहीं है, ये भी उसी में से गुजर रहा है, उस ट्रॉमा में से गुजर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि जो बैग्स हैं उसमें क्या रोल है। अब ये एक बैग है, इसमें एक स्ट्रैप है, ठीक है, मैं तो ये यूज करती हूँ, ठीक है। अगर तो इसका 5 pounds, 7 pounds तक आपने एक हल्का सा लैपटॉप रखा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मजे की बात है आपको वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लुक एट दिस पिक्चर। अब आपने एक साइड पे बैग लटकाया हुआ है, ठीक है, तो कैसे आप अपनी पूरी बॉडी को चेंज कर रहे हैं, स्केलेटन को। जब आप उसके स्केलेटन को चेंज करेंगे तो उसका जो वेट बेयरिंग है, जो वेट ट्रांसफर है, वो मैकेनिकली चेंज हो जाएगा। किस तरह, वो आपके शोल्डर को, आपकी नेक को, आपकी अपर बैक को, आपकी लोअर बैक को, आपके हिप जॉइंट्स को, सबको इफेक्ट करेगा। और ये जो नेगेटिव इंपैक्ट है, इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट 6 to 8 hours अ डे मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर्स। अगर आप किसी बंदे को इस मैकेनिकल ट्रॉमा में से गुजारेंगे तो उसका क्या हाल होगा। अगर हम यही वेट बायलैटरली ट्रांसफर कर दें, ठीक है, उसमें क्या होगा कि इससे तो बेहतर है, वन शोल्डर से तो बेहतर है बायलैटरल शोल्डर के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम बायलैटरल शोल्डर्स के अंदर आ जाएगी, प्रॉब्लम पूरी स्पाइन के अंदर आ जाएगी, हिप्स के अंदर आ जाएगी, नीज के अंदर आ जाएगी, एंकल्स के अंदर आ जाएगी। और जब ये स्पाइन है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इस बताता हूं, और बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि स्पाइन में क्या होने जा रहा है। जब आप स्पाइन के ऊपर एक्स्ट्रा, बच्चों की स्पाइन जो है वो सॉफ्ट है, बच्चों का पूरा स्केलेटन सॉफ्ट है, क्योंकि वो अभी ग्रो कर रहा है, वो मोल्ड हो सकता है। उसमें क्या होगा कि स्पाइन के अंदर लोअर पोर्शन में लॉर्डोसिस हो सकती है, अपर में स्क्लियोसिस हो सकती है या काइफोसिस हो सकती है, स्क्लियोसिस हो सकती है या काइफोसिस हो सकती है। इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट फॉर देयर लाइफ टाइम स्केलेटन चेंजेस, दे हैव टू लिव विद इट एंड विद दैट पेन एंड दैट प्रॉब्लम, and there will be no surgical cure for that. ये बच्चा जो है, development इस तरह हो गई है। बच्चे का जब skeleton ही abnormal हो जाएगा,
तो वो बच्चे का तो 25 या 30 साल की उम्र में क्रॉनिक नेक पेन के साथ होगा, क्रॉनिक लोअर बैक पेन के साथ होगा, उसको उसके जो ज्वाइंट्स हैं, जो नी ज्वाइंट्स हैं वो और हिप ज्वाइंट जो है वो 40 या 45 की उम्र में क्रॉनिक पेन में चले जाएंगे, जो 80 इयर्स तक में जाना चाहिए था। ठीक है, अब बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इसमें ना चार लोगों का रोल है, इसमें बच्चे का रोल है, इसमें पेरेंट्स का रोल है, इसमें टीचर और स्कूल का रोल है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रोल है। जो आखिरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अनफॉर्चुनेटली जो हम सर्कमस्टांसेस में से गुजर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो बाकी तीन है, बच्चे, पेरेंट्स और स्कूल, दे आर ऑल विलिंग, दे ऑल रियली वॉन्ट टू डू समथिंग पॉजिटिव, और इन सबको जब ये रियलाइज होगा कि ये प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि दे विल डू द थिंग ओवरनाइट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में की हद तक तो शायद चीजें 100 साल में चेंज हो, लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारी हद तक, बच्चों की हद तक, पेरेंट्स की हद तक और स्कूल की हद तक, और मैं स्कूल जानबूझ के कह रहा हूँ क्योंकि मैंने स्कूल्स का पॉजिटिव रोल देखा। अगर आप स्कूल वालों को जाके प्रॉब्लम डिस्कस करें अच्छे तरीके से, नॉट इन एग्रेसिव वे, एक रीजनेबल वे से, तो वो चीजें चेंज करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कैसे वो कॉस्ट इफेक्टिव है, हमने वो चीजें करनी है जो कि इतनी कॉस्ट इफेक्टिव होगी कि वी विल बी सरप्राइज्ड। सबसे पहली बात यह है कि स्कूल बैग को वियर कैसे करना है। ठीक है, क्या स्कूल बैग होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बैग है जो कि सिंगल पॉकेट बैग है, जिसमें एक ही पॉकेट है, ठीक है, और ये मल्टीपल पॉकेट बैग है, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें आपने देखा है कि इसमें मल्टीपल जिप्स है। ठीक है, हमने ये देखा है कि अगर हम सिंगल पॉकेट बैग यूज करते हैं तो उसमें आमतौर पर बच्चों की वेट बेयरिंग सबसे वर्स होती है, क्योंकि वेट एक साइड पे पुश हो जाता है, एक साइड पे पुश हो जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि जो हैवीएस्ट बुक्स हैं वो सबसे पीछे वाले पोर्शन में रखी जाए, ताकि वो स्पाइन के करीब करीब हो, उसके बाद लाइटर सेक्शन, फिर उससे लाइटर सेक्शन हो। और इसमें ये होता है कि अगर बैग इधर उधर मूव भी करता ना तो सारी चीजें इकट्ठी मूव नहीं करती। ठीक है ना, इसलिए साइडों की पॉकेट्स भी रखी जाती हैं कि बॉटल्स के लिए। तो जो मल्टीपल पॉकेट बैग होते हैं ना वो सबसे बेहतर होते हैं। फिर उसमें एक है कि आपका स्ट्रैप, ये स्ट्रैप आप छोटा सा भी स्ट्रैप यूज कर सकते हो, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं, ये है एक रेगुलर बैग है। ठीक है ना, इसका पतला सा स्ट्रैप है, जितना स्ट्रैप चौड़ा होगा उतना आपका वेट ट्रांसफर बेहतर होगा, जितना स्ट्रैप पतला होगा उतना आप ट्रॉमेटाइज ज्यादा करेंगे मसल्स को और लिगामेंट्स। ठीक है ना, ये वर्ष ये बैग इस तरह का बैग नहीं होना चाहिए, और अगर बेहतर है कि अगर थोड़ा सा पैडेड बैग भी हो, ताकि जब बच्चा पीछे जाके उसको लगे तो उसको पीछे बैग को ट्रॉमेटाइज ना हो। ठीक है ना, फिर आपने बच्चे की ये जो स्ट्रैप्स है ना इनको एडजस्ट करना, ठीक है, ये स्ट्रैप को ऐसे एडजस्ट करना है कि बैग ना तो ऐसे नीचे लटकाओ ना बिल्कुल ऊपर चढ़ाओ, बैग बच्चे के लिहाज से बिल्कुल उसकी स्पाइन के लिहाज से ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं, फर्म एडजस्ट कर रहा हूं, ना तो ऐसे लटकाओ ना ऐसे ऊपर गया हो। दोनों सूरतों में आप देखेंगे कि वेट एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा, जो वेट 20 pounds है वो 25 या 30 pounds तक चला जाएगा, अननेसेसरी उतना ही वेट बच्चे को ज्यादा फील हो रहा होगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपने बैग के लिहाज से बहुत करनी। अब बात यह है कि अब बच्चा निकला घर से, अब पेरेंट्स ने क्या करना है, पेरेंट्स ने सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे ने अपने बैकपैक में कोई अननेसेसरी बुक्स तो नहीं रखी हुई, और उसको मतलब पैक कैसे करना है, बैग को पैक कैसे करना है। अक्सर ये भी होता है कि आपको पता होता है कि आपकी कल एक क्लास नहीं होनी, बिल्कुल, या आप बच्चे लेकिन वो बुक्स सारी उठा के फिर रहे होते हैं, और जो है वो कुछ कॉपीज कुछ बुक्स जो है वो हो सकता है कि वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता कि वो अपनी ये चीजें कुछ स्कूल में भी रख सके, जैसे बाहर के मुल्कों में तो लॉकर सिस्टम होता है। मैं आपको बड़ी अच्छी आपने मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। आई मेड बाय माय ओन मनी, मैं अपना मनी स्पेंड करके एक स्कूल के अंदर दो कैबिनेट्स रखवाई, इट कॉस्ट मी 15,000 rupees पर कैबिनेट, पर कैबिनेट 30 स्टूडेंट्स के ऊपर इट कम्स आउट टू बी अराउंड 500। अगर हम कहें कि ये 10 साल चलेगी कैबिनेट, जो कि ये कैबिनेट 50 साल भी चल जाएगी, ये मेटल की है, इसको कुछ नहीं होना, ठीक है, हम 10 साल भी लगाएं तो इट कम आउट टू बी 50 rupees अ चाइल्ड, 50 rupees आपके चिप्स और आपकी पेप्सी की बॉटल ज्यादा कॉस्ट करती है पर डे,
₹50 per child ke hisab se the school bag weight was reduced by 50 to 70% by just one single step. मैंने उस पे लॉक लगाया, उसके तीन चाबियां हैं, एक क्लास टीचर के पास है, एक प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, कि अगर क्लास टीचर नहीं आती तो प्रिंसिपल ऑफिस से या एडमिनिस्ट्रेटर से जो रिप्लेसिंग टीचर है वो ले सकती है। मैंने बच्चों से कहा कि बेटा आप लोगों की जो सारी बुक्स है ना, उस बुक्स की साइड के ऊपर आप अपना नाम लिख दो मार्कर के साथ, परमानेंट मार्कर के साथ। अब वो बच्चे की बुक मिसप्लेस नहीं हो रही। आफ्टर वन मंथ द किड्स आर सेइंग दिस इज द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू देम। और जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं वो फाइट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाके, जी हमारी क्लास के अंदर भी रखवाया जाए। हाँ। तो एक छोटा सा स्टेप जो के कॉस्ट करेगा अबाउट ₹50 अ चाइल्ड पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, विच इज जीरो मनी, कुछ भी बच्चों की लाइफ, बच्चों का कंफर्ट, बच्चों का जो स्केलेटन एबनॉर्मैलिटीज हैं, आपने उसके चांस को किस हद तक कम कर दिया। अब बात यह है कि हमने कितना बैग नॉर्मल है, 10% इज आइडियल बॉडी वेट। बैग का वेट 10% ऑफ बच्चे के वेट के हिसाब से 10% होना चाहिए। अगर बच्चे का वेट 50 पाउंड है तो बैग का वेट 5 पाउंड होना चाहिए, जो कि शायद यहां मुमकिन नहीं है। ठीक है, यहां 20 पाउंड होता है। अब टिल 15% ऑफ द बॉडी वेट इज एक्सेप्टेबल, 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 100 पाउंड का बच्चा है तो 15 पाउंड उसका बैग का वेट होना चाहिए, इससे ऊपर है देन वी आर इन ट्रबल। ठीक है ना, आइडियल 10 पाउंड है, एक्सेप्टेबल रेंज 15 पाउंड तक है। कुछ एरिया में अगर बच्चा बहुत स्ट्रांग है तो 20 पाउंड तक जा सकता है। ठीक है, ठीक है। और सर इसके अलावा जो है फिर लाइक आपने कहा कि बच्चों का रोल हो गया कि वो एक तो वो ये कर सकते हैं कि वो बताएं इस प्रॉब्लम के बारे में, पेरेंट्स जो है वो बच्चे को इवैल्यूएट करें कि उसके बैग के पैकिंग में उसको अच्छा बैग प्रोवाइड करें, उसके बाद जो टीचर्स और स्कूल हैं वो अगर ये अपने पास क्लासरूम्स में कबर्ड बना लेते हैं और बैग का वेट शेयर करते हैं तो दे कैन हेल्प। इसके अलावा जो बच्चे अब इस प्रॉब्लम से का शिकार हैं, जो अब इसका शिकार हो चुके हैं, व्हाट दे शुड डू? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी अपनी जनरल हेल्थ इंप्रूव करनी है। ठीक है, उसके लिए यू हैव टू गो विद द राइट टाइप ऑफ फूड। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है। ठीक है, गुड प्रोटीन्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट गार्बेज, नॉट शुगर। ठीक है ना, नो फास्ट फूड्स। ठीक है, और गुड हेल्दी फैट्स। ठीक है, ताकि आपके स्केलेटन मसल और जो डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर कर सकें और जो डैमेज हो गए हुए हैं वो स्ट्रेंथन हो सके। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये करना है। फिर देन यू हैव टू टेक विटामिंस। हमने कैलकुलेट किया है कि जो हमारी डाइट है, ओवरऑल डाइट, क्योंकि ये बहुत जेनेटिकली मॉडिफाइड डाइट है, इसके अंदर जो विटामिंस का लेवल है, अगर मुझे लेवल चाहिए ना तो मुझे 225,000 कैलोरीज तक लेनी है तो जाके मेरी विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इसका मतलब है कि मुझे 10 गुना ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ ओवर द काउंटर विटामिंस, बच्चों के कोई विटामिन सिरप्स, देयर इज नो स्पेसिफिक नेम, यू डोंट हैव टू गो विद वेरी एक्सपेंसिव वंस, अच्छी कंपनी ले लें और मुनासिब प्राइस में ले लें। दे शुड टेक सम काइंड ऑफ विटामिंस, नॉट एवरी डे, मे बी 2 टाइम्स अ वीक। ठीक है, उसके बाद है एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इज द बेस्ट थिंग एंड वॉकिंग इज द बेस्ट थिंग एंड स्विमिंग इज द बेस्ट। ये जो तीनों रिसोर्सेज डॉक्टर साहब ने अभी शेयर किए, ये हम आपके साथ जो है वो इसी लाइव सेशन के एंड के ऊपर शेयर भी कर देंगे, सो दैट आप इसको जो है वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल, इसके लिए आपको किसी महंगे फिजिकल फिजाइट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप अपर बॉडी स्ट्रेचिंग निकालें, आप 2-3 करके देखें, जिसमें आप जिसको आप कंफर्टेबल लगते हैं और जिसमें आपको करने में पेन नहीं होती और आपको अच्छा फील होता है, आप उसको रिपीट करना, उसको सेव कर लें और उसको रिपीट कर लें। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, कुछ बच्चे हैं जो आप जो मर्जी कर लें, दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ मिजरेबल पेन, दे आर सफरिंग, 2-3 दिन ऑफ हो रहे हैं, उनको शोल्डर की पेन है, उनको हेडेक हो रही है, सब कुछ हो रही है, वो किसी चीज से रिजॉल्व नहीं हो रही, पेन मेडिकेशंस ले रहे हैं, सब कुछ रिजॉल्व नहीं। दूसरे पेशेंट दे हैव दे शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, दे शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, उनकी सिवेरिटी देखी जाए, बिकॉज दे आर सेफ वेज। आपने कोशिश करनी कि आपने पेन मेडिकेशन से इन मसलों को हल नहीं करना, आपने इनको ट्रीट करना है। पेन मेडिकेशन इज नॉट अ ट्रीटमेंट।
थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के भी रिस्पांस का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मतलब इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है, इसको और लोगों के साथ शेयर करें और आप लोग जहां तक इसको इस अवेयरनेस को हम लोग मिलकर पहुंचा सकते हैं वी शुड टेल अदर्स अबाउट इट. सो इस जो लाइव सेशन की जो एक समरी है वो आप सब लोगों के लिए ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उनका जो स्कूल बैग का वेट है वो उन बच्चे के एक्चुअल वेट से मैक्सिमम 15% तक हो सकता है. अगर आपके बच्चे का बैग का वजन इससे ज्यादा है तो वो बहुत स्वेयर किस्म के फिजिकल डैमेज की तरफ जा रहे हैं और बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल बनाते बनाते हम जो है उसकी उसकी बॉडी के को डिफॉर्म कर रहे हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. तो इस सिलसिले में डॉक्टर साहब ने हमसे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजें शेयर की हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर व्यूइंग इट. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.